बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर पीरियड। फर्स्ट रिसाइट दुआ विद मी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज। सो बेटा ओपन पेज नंबर 13। वी आर ऑन पेज नंबर 13 बेटे। राइट डेट एंड डे ओवर हेयर। चैप्टर नंबर 2 इज डेटा डिवाइसेस। यू नो द कैरेक्टर्स ऑफ दीज, टॉगल एंड गॉगल। So he is saying, you know Toggle, our teacher said that the computer has a memory. Does it mean it remembering things? Not exactly Goggle. A computer uses its memory to store data and instructions. Can a computer store any amount of data and instructions in its memory? Doesn't it get overloaded? It does have a limitation, but then we have other storage devices like CD-ROMs and USBs. ओके विल एक्सप्लेन ऑल दिस इन डिटेल। आज वो क्या बताएगा हमें बेटे कि डाटा की डिवाइसेस क्या क्या हैं, डाटा हम कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर में, सीडी रोम में, यूएसबी में। तो आज हम ये डिटेल पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। सो इन फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ डिस्क्राइब दैट अ कंप्यूटर हैज़ वेरियस डिवाइसेस लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी। इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं बेटे, कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ओके कंप्यूटर पेरिफेरल्स। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इनपुट डिवाइसेस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस? द डिवाइसेस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर फेड इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस बेटे जिनके ज़रिए हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में फीड करते हैं या कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं बेटे काम? डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में दैट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द कंप्यूटर। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं लाइक कीबोर्ड, जिसे डायरेक्टली हम टाइप करते जाते हैं और वो हमारे सामने मॉनिटर में आता जाता है। कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर माउस, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर। टर्न द पेज। अच्छा बेटे, आप इनपुट डिवाइसेस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन। आज हम आपको दो और डिवाइसेस बताएंगे, दैट इज़ ग्राफिक्स टैबलेट एंड टच स्क्रीन। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट ये है बेटे, ग्राफिक्स टैबलेट ये क्या होता है? ये बेटे एक तरह का ड्राइंग बोर्ड है, आप इसमें अपने हाथ से चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हम अपनी ड्राइंग बुक में करते हैं पेंसिल से या पेन से। तो इसके लिए भी एक स्पेशल पेन होता है, ये पेन कहलाता है बेटे स्टाइलस। इस स्टाइलस के थ्रू हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और वो डिज़ाइन यहाँ अपेयर नहीं होता, वो डिज़ाइन अपेयर होता है कंप्यूटर के मॉनिटर पर। ये ज़्यादातर कौन लोग यूज़ करते हैं बेटे? जो आर्टिस्ट होते हैं, इलस्ट्रेटर्स होते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं। ओके नाउ सेकंड इज़ द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को तो आप लोग सब जानते हैं। टच स्क्रीन में जो इनपुट हम चीज़ें करते हैं उसका मेथड क्या होता है कि वो टच को फील करता है, हम अपने टच से चीज़ें चेंज कर सकते हैं ना। जो हमारे टच मोबाइल भी होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम टच करते हैं और जो हमें चाहिए होता है वो काम हो जाता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ज़्यादातर बेटे? ये होते हैं ATMs में यूज़ होते हैं, टैबलेट PCs में यूज़ होते हैं, रेलवे एंड एयरपोर्ट टर्मिनल्स में फॉर अराइवल एंड डिपार्चर इंक्वायरीज में यूज़ होते हैं, और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स वगैरह को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ बेटे कम टू आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गेट द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यू हैव लर्न अबाउट द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इन क्लास 4, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDUs, स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स एंड प्रिंटर्स। लेट अस लर्न मोर अबाउट द VDU एंड द प्रिंटर हियर। VDU क्या है बेटे? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दिस इज़ अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, जिसको आप LCD और LED कहते हैं, स्क्रीन कह रहे होते हैं। ये TV स्क्रीन की तरह से होती है और इसमें टेक्स्ट भी आ जाता है, ग्राफिक इमेजेस भी आ जाती है ना, ड्राइंग भी आ जाती है और लिखा हुआ भी आ जाता है। जो आउटपुट इस पर आ रहा होता है, जो हम इस पर देख रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी। क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, जो मॉनिटर है हमारा। अच्छा, इसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, 11 इंचेस में होता है, 14 इंचेस, 15 इंचेस, 17, 19, 21, 22 एंड 24 इंचेस के मॉनिटर्स होते हैं, राइट? नाउ सेकंड इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है बेटे? जो चीज़ हमने सॉफ्ट कॉपी में देखी थी लाइक ए पिक्चर या उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट, उसको रीडेबल चीज़ पर ले आता है, लाइक पेपर पे ले आता है या ट्रांसपेरेंट फिल्म पर ले आता है, ठीक है, जो हम अपने हाथ में देख सकते हैं, वो प्रिंटर वो काम करता है। और वो कॉपी क्या कहलाती है? उसकी हार्ड कॉपी। जो वीडियो में हम देख रहे होते हैं इट इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी, और जो प्रिंटर से निकलती है दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, इम्पैक्ट
एंड नॉन इम्पैक्ट. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इन एन इम्पैक्ट प्रिंटर अ प्रिंट हेड स्ट्राइक्स एन इंक रिबन विच इन टर्न स्ट्राइक्स द पेपर टू मेक अ मार्क ऑन द पेपर. इसमें क्या होता है बेटे, प्रिंट हेड किससे पहले टच करता है, रिबन से, ठीक है. और वो रिबन किससे टच करता है, इंक रिबन होता है ये, और इंक रिबन टच करता है पेपर से. तो इस तरीके से जो हमें प्रिंट चाहिए होता है वो यहाँ पर हमारे पास पेपर में आ जाता है. इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बेटे एग्जांपल्स हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर्स. डॉट मैट्रिक्स के बारे में बताया उन्होंने. फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेटे, ये इसकी एग्जांपल है, पिक्चर दी हुई है इसमें. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड पर कुछ पिंस होती हैं, ठीक है, 9 होती हैं, 18 होती हैं, 24 होती हैं, जो वर्टिकली अरेंज होती हैं. प्रिंट हेड मूव करता है बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में अक्रॉस द पेपर. तो ये पिंस बेटे मूव करती हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें प्रिंट चाहिए होता है. इससे हमारे पास मल्टीपल कार्बन कॉपीज़ आ जाती हैं. एक ही पेपर की हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए होती हैं तो वो आ जाती हैं. तो इस वजह से जो रसीदें या बिल्स वगैरह बन रहे होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है. ये स्लो होता है, नॉइजी होता है और लो क्वालिटी इनपुट दे रहा, आउटपुट दे रहा होता है. नाउअडेज ये ख़त्म हो गया, बहुत कम यूज़ हो रहा होता है, बहुत कम जगहों पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ हो रहा होता है. नेक्स्ट इज़ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर देर इज़ नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एट द पेपर. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स. आजकल तो बेटे हम लेज़र प्रिंटर्स यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें इनका मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता. यानी कि पहले हमारे पास प्रिंट हेड इंक रिबन पर लगेगा, फिर इंक रिबन पेपर पर लगेगा, ये वाला कॉन्टैक्ट इसमें नहीं हो रहा होता है. टर्न द पेज ना बेटा. इंकजेट प्रिंटर, ये इंकजेट प्रिंटर होता है, इसमें प्रिंट हेड स्प्रे करता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक के पेपर पे डिजायर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. इसमें कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होता है, बल्कि ये स्प्रे कर रहा होता है इंक के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट, तो इसमें से हमारी डिजायर्ड इमेज बन जाती है. फास्ट होता है, बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, लेकिन अगर ये पेपर जो हमारा वेट हो जाए तो ये सारा प्रिंट जो है वो ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट इज़ द लेज़र प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर वो होता है बेटे जो हम अपने स्कूल्स में भी यूज़ कर रहे हैं और हर जगह पर आजकल यही चीज़ यूज़ की जा रही है. इसमें लेज़र बीम होती है, वो प्रोड्यूस करती है इमेज जो हम पेपर बनाना चाह रहे हैं ड्रम पर. वो ड्रम कहलाता है बेटे रोलर, और रोलर को पाउडर इंक डाली जाती है जो कहलाता है टोनर. टोनर हो जाता है स्ट्रिक्स ड्रम के उस पार्ट से जहाँ से लेज़र बीम टकरा रही होती है. फिर कैरेक्टर्स होते हैं वो पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर. अ लेज़र प्रिंटर इज़ वेरी फास्ट एंड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट. लेज़र प्रिंटर जो होता है बेटे वो फास्ट भी होता है और हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स भी दे रहा होता है. ठीक है बेटे, नाउ टुडे वी हैव डन टिल हेयर. यू शुड रीड द चैप्टर अगेन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.